सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार कमाई कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अक्षय कुमार सर की इस फिल्म के 8 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस में इंडिया से कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल, जो कि इंडिया के मिशन मार्स के ऊपर बनाई गई फिल्म है, इस फिल्म को दोस्तों डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। वहीं इस फिल्म में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के साथ विद्या बालन मैम, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कृति कुल्हारी, नित्या मेनन और शर्मन जोशी नजर आए हैं। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में फॉक्स स्टार हिंदी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म का क्लेश हुआ था सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस के साथ। उसके बाद भी दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 29 करोड़ 13 लाख रुपये, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कमाई थी। सेकेंड डे में भी दोस्तों, इस फिल्म ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग कमाई की और कमाए 17 करोड़ 56 लाख रुपये। वहीं दोस्तों, थर्ड डे में इस फिल्म ने कमाए थे 23 करोड़ 56 लाख रुपए। फोर्थ डे में दोस्तों, इस फिल्म ने एक बार फिर से ग्रोथ दिखाई और कमाए 27 करोड़ 93 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों, ये फिल्म अपने 4 दिनों के वीकेंड में लगभग 98 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 5वें, 6ठे और 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों वीकडेज शुरू होने के बाद इस फिल्म की जो कलेक्शंस है उसमें थोड़ी कमी देखी गई है, क्योंकि दोस्तों वर्किंग डे होने के कारण इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हो जाती है। और दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 5वें दिन कमाए हैं लगभग 12 करोड़ रुपये। 6ठे दिन के कलेक्शंस में भी दोस्तों, इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया और कमाए 8 करोड़ 30 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया चले दोस्तों आपको कि 7वें दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार होल्ड किया है। और इस फिल्म का जो 7वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो रहा है लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपये का। इस तरह से दोस्तों, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक लगभग 124 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के अगर 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि आज भी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार सस्टेनिंग रखी है। और आज के इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 20 से 25% की। इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म अपने 8वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया से फर्स्ट वीक का हो चुका होगा लगभग 131 करोड़ रुपए का। ओवरसीज कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों, ये फिल्म ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर लगभग 42 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर दोस्तों, ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है लगभग 150 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक का हो चुका होगा 192 करोड़ रुपए का। और मात्र 32 करोड़ के बजट से बनी दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी होगी। बताएं दोस्तों आपको कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की ये लगातार बॉक्स ऑफिस पर 10वीं सुपरहिट फिल्म है। इससे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दोस्तों आज तक कोई सा भी सुपरस्टार लगातार नहीं दे पाया है जितनी सुपरहिट फिल्में यहाँ पर अक्षय कुमार ने दी है। तो दोस्तों, एक और रिकॉर्ड यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार के नाम हो चुका है। बात कर ली जाए अगर इस फिल्म के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ऑडियंस तरफ से दोस्तों इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। वहीं दोस्तों, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दी है। इस कारण से दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है और लगभग 200 करोड़ की कमाई ये फिल्म आसानी से करने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।